हमारी टीम के दो प्लेयर आउट। मौसम जो है बहुत ज्यादा तगड़ा खराब हो रहा है, बारिश और ज्यादा चल रही है, बीच में अभी रुक गई थी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। तो अभी हम लोग हैं सोनप्रयाग में, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो से पता चल गया होगा। और भाई अपन जीत चुके हैं, बहस हो गई थी रात को कौन पहले उठेगा, कौन रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं उठ चुका हूँ, फ्रेश व्रेश हो के नहा धो के रेडी भी हो गया हूँ। देखो क्या हाल रखे हैं यहाँ पे, अभी तक सोए हुए हैं लोग, उठे नहीं हैं। मैंने भाई कम से कम 8-10 बार जगाए लोग, तब जाके उठे। आज रात को तो जैसे तैसे भेजा मैंने अभी वॉशरूम में। तो भाई लोग सब लोग हो चुके सेट, रेडी हो गए। ये देखो कार्तिक अब बचाए, सिर्फ ये अपने जूते पहन रहा है। और ये इधर हमारे भाई साहब हो गए रेडी। देखो गुड मॉर्निंग, इसको लाद दे के भेजा मैंने अंदर। हाँ साले उठ ही नहीं रहे थे, बोला तो ऐसे कि 4 बजे उठ के रेडी हो के 5 बजे निकलना है, 3 बजे उठ के निकलना है, 5 बजे ट्रैक शुरू करना है। साला 4 बजे मैं उठा, मैं आई एम द विनर। ये देख ये देखो हमारा साजन, ये तो बाकी में साजन है यार, इसका क्या बोले। अब हो रहा है सबसे लेट तैयार कर। हाँ चाबी ये छोड़ देने। तो भाई लोग हम रुके हुए थे इस वाले होटल में, होटल रुद्राक्ष रेजिडेंसी। तो ये था हमारा होटल, एक्सपेक्टेशन जो थी वैसा ही था। ठीक है अभी हम लोग निकलते हैं, बैठते हैं, इधर से ही जाना पड़ेगा भाई। गाड़ी हमने पार्क कर दी है नीचे उधर पार्किंग में, और यहाँ से पैदल जा रहे हैं अभी आगे। यहाँ से कैब मिलेगी, कैब लेके आगे जाएंगे। और ब्रिज को क्रॉस करते ही गाड़ी मिल जाएगी टैक्सी, गौरीकुंड के लिए टैक्सी से जाएंगे अभी। यही ब्रिज है, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और कुछ अवेलेबिलिटी है नहीं अपार्ट फ्रॉम टैक्सी। चलो भाई इसी में बैठते हैं। यही है जी गौरीकुंड। केदारनाथ बाबा की जय, हर हर महादेव, भोले की भोले की बात करे की बात। Let's go. So now we started our journey towards the Kedarnath Dham. So यहाँ से होता है basically track start. This is the Gaurikund. और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अभी time हो रहा है 7:11, so we are on time. अब देखते हैं कितने time में हम ये distance cover करते हैं। Let's see. वो दोनों करेंगे। So, तक का कैसा रहा है एक्सपीरियंस? नॉर्मल रहा है ना अभी। तो अभी हम चले कितने हैं मुश्किल से, अभी आधा किलोमीटर है ना, एक चल एक हो गया होगा अप्रोक्सीमेट एक हो गया होगा। तो भाई साहब हो चुका है कांड, कांड हमारी टीम के दो प्लेयर आउट, कार्तिक और साजन दोनों को चला दिया घोड़ा, वो पीछे आ रहे हैं। और मेरा बैग वाला बैग मैंने उसको दे दिया है, छोटा बैग है मेरे पास, पावर बैंक और कैमरे का सामान तो वो सब है। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और हम लोग ट्रैक करके ही जाएंगे, हम नहीं लेंगे घोड़ा वोड़ा। तो पानी की वजह नहीं जा रहे, भाई पानी गया थोड़ा सा जूते पे, पानी गया थोड़ा सा जूते पे। मैंने तो चलता रहेगा भाई।
टी टाइम और ये देखो ये खत्म हुई इसकी चाय, और मेरी चाय कहाँ पता है गिर गई, ये देखो मेरी चाय आ गई आ गई, ये देखो ये आ गई मेरी चाय। टेस्ट करके बताते कैसी है, पहले तो मैंने ठीक है। ये देखो भाई नीचे वो दिख रहा है, वो जगह रामबाड़ा और काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं अभी, और ये सबसे अब तक की सबसे टफ है तो चढ़ाई है भाई, एकदम तीखा चढ़ा तीखा चढ़ना पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा एकदम स्टीप इंक्लाइंड है, और अब नहीं हो रहा मेरे से यार, पैरों ने जवाब दे दिया, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को थोड़ा सा पोस्ट कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जल्दी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। अभी हमने अप्रॉक्सीमेट 7 किलोमीटर किए हैं, और टाइम अभी हो गया है, टाइम देख के बता देता हूँ आपको, 11:38, तो ऑलमोस्ट 4.25 घंटे, 4.25 घंटे में हो चुके हैं चलते चलते। भाई लोग बारिश हो चुकी है तेज, तो रेनकोट पहन लिया है मैंने, काफ़ी तेज़ हो गई है, तो देख सकते हो आप आज आपको पता नहीं है कहाँ है, पीछे है या आगे है अभी मेरे को नहीं पता, मैं तो बढ़े जा रहा हूँ आगे धीरे धीरे, निकले साथ में ही थे चाय पी के, अभी उसके बाद बिछड़ गए, वो आगे है पीछे है पता नहीं, थोड़ी बहुत देर के बाद मैं रुकूँगा आगे, कॉल करता हूँ उसको किधर है। एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, इधर देखो क्या भयंकर दूध रखी है, देख लो नीचे, ये अभी अभी आया है, बादल भी बोल सकते हो इसको, बादल ही है बेसिकली। फोन आ रहा है मेरा, शायद आजाद गई है। मौसम देखो क्या खतरनाक घेरा हुआ है इस समय, और अब मैं ऊपर आ गया है, क्या था रामबाड़े से करीब 2-2.5 किलोमीटर, हाँ तो बेस कैंप तक गया होगा वो, अच्छा यहाँ से रामबाड़ा से कितना दूर है वो बेस कैंप लगभग, अच्छा तो लगभग भाई मैं 2-2.5 किलोमीटर तो आ ही गया, ठीक है चला रहा हूँ। पैसे उसको एटीएम से निकाल के दे दे या ऑनलाइन दे दे, ले लेगा, पहुँच गए वो लोग बेस कैंप तक पहुँच गए, पेमेंट का इशू है, पेमेंट ये पैसे लेके नहीं गए नीचे से, और मेरे वॉलेट में 1000 रुपये पड़े थे मैंने बोला, लेकिन 1000 से क्या होगा, वो 3000 देने उसको दो घोड़ों के, तो एटीएम है वैसे ऊपर, पैसे वैसे निकल जाते, देखते हैं क्या सीन। और भाई साहब अभी मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक आ गया, क्योंकि नीचे 2 किलोमीटर चढ़ते ही ना फिर पैरों ने दम तोड़ दिया था, मतलब जवाब दे दिया था, जैसे तैसे अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, अप्रॉक्सीमेट 7.5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर होगा, तो इतना चढ़ के आ गया हूँ, और जो लास्ट 2 किलोमीटर थे ना सबसे टफ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, तो आपको तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, कि आप जब भी यहाँ पर आओ तो खरगोश बनने की कोशिश मत करना, बचपन में एक कहानी सुनी थी ना कि खरगोश और कछुए वाली, तो यहाँ पे खरगोश बनने की कोशिश मत करना, कछुए की तरह चलो, धीरे धीरे चलो। अभी ये मेरे को समझ में आया लगभग लास्ट 3.5 किलोमीटर से, तो मैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप बेबी स्टेप्स लेके चल रहा हूँ, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, बस यही था मैंने सोचा आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। और अभी मैं बढ़ रहा हूँ ऊपर की तरफ, आज़ाद का भी कुछ अता पता नहीं है ना मेरे पास, बस उसका फ़ोन आया मैंने ट्राई किया उसको एक बार फोन तो लगा नहीं, कार्तिक आ गया, कार्तिक और साजन पहुंच चुके हैं बेस कैंप पे, यहाँ से लगभग बेस कैंप अभी 3 किलोमीटर के समथिंग होगा आई थिंक, जैसा मुझे लगता है, बाकी चलते हैं ऊपर देखते हैं। थोड़ी सी हिम्मत तो आ गई, पैरों ने जवाब दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी मेरी हिम्मत टूटी नहीं अभी, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है चलो। अभी रुक गया था मैं पीछे परांठा खाने और चाय पीने, आजा थोड़ा सा आ गया मेरे से, अभी उससे बात हुआ, और क्या है ना एनर्जी पूरी डाउन हो गई थी, तो अभी मैंने एक परांठा एक चाय निपटाया, थोड़ी सी एनर्जी तो आई, और अभी यहाँ से बेस कैंप है
चार किलोमीटर, तो धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ मैं। सर्दी ना बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो गया है, बारिश जब से शुरू हुई है बंद होने का नाम नहीं ले रही। थोड़ा सा वेदर इधर क्लियर हो गया है नीचे, बट बारिश कंटिन्यू हो रही है। श्री केदारनाथ मंदिर 6 किलोमीटर है यहाँ से, तो पूरा भी मैंने हमने मतलब जो है लगभग 10.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है। वैसे वो वहाँ पे नीचे लिखा है 16 किलोमीटर, वो कम लिखा हुआ है। ट्रैक बेसिकली लगभग 18 से 20 किलोमीटर का है। अभी थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया तो राहत सी मिल गई है भाई, ये देखो सामने से, बट फॉग जो है ना फिर से आ गया है। अभी क्लियर हो गया था लेकिन फिर से आ गया। गाइस अभी यहाँ से जो बेस कैंप है वो लगभग 2.5 या 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है, और वेदर थोड़ा सा क्लीन हो गया है। अभी काफ़ी घने बादल हैं, नीचे की साइड तो काफ़ी बादल हैं, और अभी ये देखो इधर की साइड का सीन दिखाता हूँ, और अब आपको बेस कैंप दिखाता हूँ कहाँ है बेस कैंप। देखो वहाँ ऊपर की साइड दिख रहा होगा आपको, वो मेरी उंगली की तरफ, तो वो ऊपर बेस कैंप है। वहाँ से रास्ते फिर फ्लैट हो जाएंगे, और वहाँ से फिर रास्ते हो जाएंगे फ्लैट आज़ाद, यही कहीं है आगे जाके मिलता हूँ उससे, और चलो कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली गए, बस 10 कदम और बेस कैंप पहुँचने वाला हूँ। ये देखो पीछे की लग रखा भाई पहले, भाई लोग पहुंच गए टेंपल के पास, सामने ही है टेंपल उधर। फाइनली गाइस वी मेड इट, यार बोलेगी जैसे तैसे भाई खींच तान के मैं आ ही गया यार। अभी मैं और आजाद यार के दर्शन करके आ चुके हैं, क्योंकि बीच अंदर तो कैमरा अलाउड है नहीं, तो कैमरा मैंने अपना बंद रखा था, गोप्रो अंदर जेब में था। तो ये है भैया टेंपल, शाम का नज़ारा। कार्तिक और राजन दोनों नीचे जा चुके हैं, सर्दी लग रही है बहुत जोर से, भीग गया हूँ एक तो पूरा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ टेम्पल, सीधे डायरेक्ट। और रात को घर उधर पीछे टेंट में था, टेंट में लिया था, और कार्तिक और साजन दोनों उतर चुके थे पहले, मैंने आपको बता दिया था। तो आज की शुरुआत कर रहे हैं, बारिश बिल्कुल भी थमी नहीं है कल रात से, और भाई जो सर्दी के मारे हालत ख़राब हुई है ना, बता नहीं सकता मैं। ये देखो अब आपको एक चलते टाइम अब हम अपनी यात्रा वापस से शुरू कर रहे हैं नीचे, तो लास्ट मैंने सोचा एक बार टेंपल के दर्शन करा दिए जाए आपको, चलो दिखाता हूँ मैं आपको पीछे। ये देखो नमः शिवाय, ओ नमः
दर्शन भाव चलो भाई लोग अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। चलो अब हम निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। अभी टाइम क्या हो गया है? 8 बज चुके हैं भाई, और सुबह प्लान था हमारा वैसे तो 5 बजे का निकलने का, लेकिन बारिश बंद थम नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी उस समय। अब थोड़ी कम हो गई है तो, और नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, मैंने कहा चलो सो ही लिया जाए, बारिश भी थम नहीं रही है तो सो ही लेते, इसका कुछ तो फ़ायदा उठा लें। तो फिर अब निकले हम लोग। चलो अब तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के हमें करना क्या है, हम यहाँ से घुड़सवारी लेंगे, घोड़ा लेंगे, उससे उतरेंगे। अब की हिम्मत नहीं है नीचे उतरने की, उतरने को उतर सकते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा हमें उतरने में, घोड़े पे थोड़ा जल्दी उतर जाता है। दर्द तो चला गया भाई पैरों में, अब तो दर्द नहीं हो रहा भाई साहब। घोड़ों की रेट आसमान फाड़ रही है, कितने मांग रहे हैं? 3,000-3,500 उतरने के एक बंदे का, देख रहे हो? और कल रात को वो दोनों 1,000-1,000 में गए उतरते, शाम को आए भी तो 1,500-1,500 में थे, आए 1,500-1,500 में थे, वैसे 2,500 रुपये लगते हैं नीचे से। तो वो ये कि आपके ऊपर है बार्गेन करना कैसे, अगर मिल जाए तो आपकी किस्मत है। अभी क्या है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक कम है और घोड़े भी ऊपर कम है, इसलिए पैसे ज़्यादा बोल रहे हैं ये लोग। मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया कल से, इसलिए तो अभी हमने डिसाइड किया अभी हम पैदल ही जा रहे हैं, जितना चल सकते हैं उतना। मौसम देखो भाई लोग, मौसम देखो कितना खराब हो रखा है, देखो चारों तरफ बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है, और हम भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं थमेंगे फिर। तो गाइस आ गए हैं नीचे, कितने टाइम लगे हमें? 4 घंटे लगे, 9 बजे स्टार्ट किया हमने ट्रैक, और अभी हमें गौरीकुंड में, देखो नीचे है ये गौरीकुंड, ये जो जगह देख रहे हो आप लोग आ गए घूम रहे नीचे, ये नहा रहे इसमें, इधर जो है ना गर्म पानी की रहता है, आप यहाँ पे आके स्नान वगैरह नहा सकते हो। ये चलते चलते मेरे भाई का बुरा हाल है, बट कोई नहीं, वी हैव कंप्लीटेड। कहाँ से हो भाई लोग? एक एक करके बोलो ना, समझ में नहीं आया। कैसा लगा लास्ट मोमेंट तक जाते जाते, कैसा लग रहा था? अब तो बस आ जाए, हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। दो कदम और चढ़ते ना, दो कदम और आगे जाता तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाता।